नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल टेक्निकल सचिन में। और एक वीडियो लेकर हाजिर हूं आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं जो तो आपको पेटीएम बीसी एजेंट ऐप 3.6.2 या फिर जो तो पेटीएम का एटीएम ऐप 3.6.2 इस ऐप में जो तो यहाँ पर पेटीएम की ओर से कुछ न्यू यहाँ पर जो तो अपडेट्स आए तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में जो तो मैं आपको आगे जो है तो बताने वाला हूँ। तो आप भी अगर से एक पेटीएम बीसी एजेंट है या फिर आप भी अगर से पेटीएम का एटीएम ऐप 3.6.2 अगर से लेटेस्ट वर्जन अगर से यूज अगर से करते तो आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखने चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि पेटीएम बीसी एजेंट ऐप या फिर जो तो पेटीएम का एटीएम ऐप 3.6.2 ऐप में जो तो कौन-कौन से 3 न्यू अपडेट्स आए हैं। तो आपसे मेरे एक ही गुजारिश रहेगी कि आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर से देखने चाहिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं जो तो आपका कीमती समय ज्यादा बर्बाद नहीं करता हूं और वीडियो को सीधा आगे बढ़ाता हूं। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। अभी तक आपने टेक्निकल सचिन YouTube चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं क्या है तो कर लीजिए, और जो साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा है उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि जब भी कोई मैं इस तरीके का लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, किसी और के पास नहीं जाए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं जो तो वीडियो को और आगे बढ़ता हूं और आपको यहां पर बताता हूं कि पेटीएम बीसी एजेंट ऐप 3.6.2 या फिर जो तो पेटीएम का एटीएम ऐप 3.6.2 इस लेटेस्ट ऐप में आपको कौन कौन से 3 न्यू अपडेट्स यहां पर जो तो मिलने वाले हैं। तो इसके लिए जो तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा पेटीएम बीसी एजेंट ऐप है 3.6.2 या फिर जो तो जो पेटीएम का एटीएम ऐप है 3.6.2 इस लेटेस्ट वर्जन ऐप को यहाँ पर जो तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं मेरा पेटीएम बीसी एजेंट ऐप 3.6.2 को ओपन कर लेता हूँ या फिर जो तो जो पेटीएम का एटीएम ऐप है 3.6.2 इसको मैं ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो तो मुझे यहाँ पर जो तो कोई भी लेटेस्ट न्यू अपडेट यहाँ पर जो तो शो नहीं हो रहा है। लेकिन ऊपर जो तो एक 3 डॉट्स रहता है उस पर जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो तो आपको जो लेटेस्ट 3 न्यू अपडेट्स आए ये जो तो आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो अब जो तो मैं आपको बताता हूँ कि पेटीएम बीसी एजेंट ऐप 3.6.2 में कौन से 3 न्यू अपडेट्स आए या फिर जो तो जो पेटीएम का एटीएम ऐप है 3.6.2 इसमें जो तो कौन कौन से 3 न्यू अपडेट्स आए। तो इसके लिए जो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो तो नीचे ले लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर जो तो नीचे लेता हूँ तो यहाँ पर जो तो बताया जा रहा है कि माय ऑर्डर्स, ये ऑप्शन तो यहाँ पर पेटीएम बीसी एजेंट ऐप में यहाँ पर पहले ही था। लेकिन जैसे ही मैं नीचे लेता हूँ तो यहाँ पर जो तो बताया जा रहा है कि कमीशन अर्न, तो ये जो तो सबसे पहला अपडेट आया है पेटीएम बीसी एजेंट ऐप 3.6.2 में या फिर जो तो पेटीएम का एटीएम ऐप 3.6.2 में जो कि एक कमीशन अर्न। तो जैसे मैं यहाँ पर जो तो कमीशन अर्न के ऑप्शन पर यहाँ पर जो तो क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो तो जो मैंने कमीशन अर्न किया है वो जो तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो कि है 0 रुपीज। यहाँ पर जो तो आपको आपका जो तो कमीशन बताया जाएगा कि आपको यहाँ पर तो कौन से डेट में कितना कमीशन मिला है। आप अगर से पेटीएम बीसी एजेंट ऐप के थ्रू अगर से कोई अगर से कैश डिपॉजिट करते हो या फिर कोई अगर से कैश विड्रॉल अगर से करते हो या फिर किसी यूजर का पेटीएम का केवाईसी अगर से करते हो तो उसके लिए जो आपको कमीशन मिलता है तो वो कमीशन आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। इस ऑप्शन में आपको यहाँ पर जो तो वो कमीशन बताया जाएगा कि आपने जो तो पेटीएम बीसी एजेंट ऐप से जो तो इतना कमीशन अर्न किया है। तो ये जो तो सबसे पहला अपडेट आ रहा है पेटीएम बीसी एजेंट ऐप 3.6.2 में या फिर जो तो पेटीएम का एटीएम ऐप 3.6.2 में। अब जो तो मैं आपको बताता हूँ कि पेटीएम बीसी एजेंट ऐप 3.6.2 में या फिर जो तो पेटीएम का एटीएम ऐप 3.6.2 में दूसरा कौन सा न्यू अपडेट आ रहा है। तो इसके लिए जो तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बैक ले लेता हूँ। जैसे मैं बैक ले लेता हूँ तो यहाँ पर जो तो नीचे एक ऑप्शन बताया जा रहा है जो कि है इंस्टेंट कार्ड इन्वेंटरी। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर तो पहले से ही अवेलेबल था पेटीएम बीसी एजेंट ऐप या फिर जो तो पेटीएम का एटीएम ऐप में। लेकिन जो आपका पेटीएम बीसी एजेंट ऐप का लेटेस्ट वर्जन है 3.6.2 इसमें जो आपको आपका सर्टिफिकेट बताया जा रहा है या फिर जो तो जो आपका पेटीएम बीसी एजेंट का सर्टिफिकेट बताया जा रहा है तो उस सर्टिफिकेट का जो एक्सपायरी डेट होता है तो उस एक्सपायरी डेट को यहाँ पर जो तो बढ़ा के यहाँ पर जो तो शो किया जा रहा है या फिर जो तो आपका एक्सपायरी जो डेट है उसे जो तो अपग्रेड करके यहाँ पर जो तो शो किया जा रहा है। तो इसके लिए जो तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, माय सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं माय सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो तो मेरा नेम वगैरह जो तो बताया जाएगा कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो आपने यहाँ पर जो तो कौन सा नाम वगैरह दिया था तो वो यहाँ पर जो तो बताया जा रहा है। उसके बाद में नीचे जो तो जो पेटीएम बीसी एजेंट का जो आईडी होता है वो आईडी यहाँ पर जो तो आपको शो किया जाएगा और यहाँ पर जो तो मेरा आईडी भी यहाँ पर जो तो मुझे बताया जा रहा है। उसके बाद में जो तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर जो तो बताया जा रहा है और उसके नीचे जो है तो आपका ASM TSM का यहाँ पर जो तो नाम बताया जा रहा है और जो तो सिग्नेचर बताया जा रहा है।
और नीचे यहाँ पर जो तो बताया जा रहा है कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड मार्च 2020, मतलब कि ये सर्टिफिकेट जो है तो यहाँ पर मार्च 2020 तक यहाँ पर जो तो वैलिड है। आप जो है तो यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को जो है तो यहाँ पर मार्च 2020 तक यहाँ पर जो तो यूज कर सकते हो। तो ये जो तो एक सेकेंड यहाँ पर जो तो न्यू अपडेट आया है पेटीएम बीसी एजेंट ऐप 3.6.2 में, या फिर जो तो पेटीएम का एटीएम ऐप 3.6.2 में। इस सर्टिफिकेट का आप जो तो स्क्रीन शॉट यहाँ पर जो तो लेकर जो तो कलर जेरोक्स मार के आपका जो पेटीएम का केवाईसी सेंटर है उस सेंटर पर आप जो तो लगा सकते हो, या फिर जो तो जो आपका स्टोरी उस पर जो तो लगा सकते हो। तो अब जो तो मैं आपको बताता हूं कि पेटीएम बीसी एजेंट ऐप 3.6.2 में या फिर जो तो पेटीएम का एटीएम ऐप 3.6.2 में जो तो कौन सा तीसरा न्यू अपडेट यहां पर जो तो आए। तो इसके लिए जो तो मैं क्या करता हूँ, बैक ले लेता हूँ। जैसे ही मैं बैक लेता हूँ तो जो माय सर्टिफिकेट का ऑप्शन है उसके नीचे यहाँ पर जो तो एक न्यू यहाँ पर जो तो ऑप्शन आया है जो कि है मैनेज सब एजेंट्स, मतलब कि अब से आप जो है तो जो आपका पेटीएम बीसी एजेंट ऐप का लेटेस्ट वर्जन है 3.6.2, तो इस लेटेस्ट वर्जन में आपसे आप जो है तो एक कोई भी जो तो सब एजेंट को यहाँ पर जो तो ऐड कर सकते हो। और आप अगर से पेटीएम बीसी एजेंट ऐप 3.6.2 में अगर से किसी सब एजेंट को ऐड अगर से करते हो तो वो सब एजेंट यहाँ पर जो तो पेटीएम यूजर का यहाँ पर जो तो केवाईसी कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर जो तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में यहाँ पर जो तो कैश डिपॉजिट यहाँ पर जो तो कर सकता है, और जो तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक से यहाँ पर जो तो कैश यहाँ पर जो तो विड्रॉल कर सकता है। तो यह जो तो एक तीसरा न्यू ऑप्शन यहाँ पर जो तो आया, या फिर जो तो यह तीसरा एक जो तो न्यू अपडेट आया है पेटीएम बीसी एजेंट ऐप 3.6.2 में, या फिर जो तो पेटीएम का एटीएम ऐप 3.6.2 में। तो इसके लिए जो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो तो मैनेज सब एजेंट्स के ऑप्शन पर यहाँ पर तो क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं मैनेज सब एजेंट्स के ऑप्शन पर यहाँ पर जो तो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो तो बता जा रहा है इंटर डिटेल्स टू ऐड सब एजेंट, मतलब कि आपको अगर से यहाँ पर सब एजेंट को अगर से ऐड अगर से करना है तो यहाँ पर जो तो आपको उसका जो तो यहाँ पर मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर तो कुछ प्रोसेस होगा, और उसके बाद में जो तो आपका पेटीएम बीसी एजेंट ऐप का लेटेस्ट वर्जन है 3.6.2, तो इसमें जो तो आपका एक सब एजेंट यहाँ पर जो तो ऐड हो जाएगा। तो यह जो तो थ्री न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, या फिर जो तो यह थ्री न्यू ऑप्शंस यहाँ पर जो तो पेटीएम बीसी एजेंट ऐप 3.6.2 में यहाँ पर जो तो आए, या फिर जो तो यह थ्री न्यू अपडेट्स थ्री न्यू ऑप्शंस यहाँ पर जो तो आए पेटीएम का एटीएम ऐप 3.6.2 में। अभी आप मुझे नीचे कमेंट्स में प्लेस करके जरूर बताओ कि आप जो तो पेटीएम का एटीएम ऐप या फिर जो तो पेटीएम बीसी एजेंट ऐप का जो तो कौन सा यहाँ पर जो तो वर्जन यूज करते हो, और आपको अगर से पेटीएम बीसी एजेंट ऐप का लेटेस्ट वर्जन 3.6.2 अगर से चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो तो मैंने आपको प्रोवाइड यहाँ पर जो तो कर दे, वैसे जाकर जो तो आप पेटीएम बीसी एजेंट ऐप का लेटेस्ट वर्जन को जो तो डाउनलोड कर सकते हो। और नीचे मुझे आप कमेंट्स में प्लेस करके जरूर बताओ कि आपने अगर से पेटीएम बीसी एजेंट ऐप का लेटेस्ट वर्जन 3.6.2 अगर से डाउनलोड किया, और उस लेटेस्ट वर्जन में आपको यहाँ पर जो तो ये तीनों न्यू अपडेट्स यहाँ पर जो तो देखने को मिल रहा है, या फिर जो तो नहीं, या फिर जो तो ये तीनों न्यू ऑप्शंस आपको जो तो उस लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पर जो तो देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं, नीचे मुझे आप कमेंट्स में प्लीज करके जरूर बताओ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर से अच्छा लगा होगा तो प्लीज करके लाइक करो। आपके दिल में अगर से कोई सवाल है तो नीचे मुझे कमेंट्स में प्लीज करके जरूर बताओ। और अभी तक आपने टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर से नहीं किया है तो जरूर करो, और जो साइड में आपको बेल आइकन दिख रहा है उस बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन पर जो तो क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई मैं इस तरीके का लेटेस्ट वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, किसी और के पास नहीं जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल सचिन यूट्यूब चैनल।